ये जून महीने में 17th एक कंप्लेंट आया नाइट 9 o'clock टाइम में। वो कंप्लेंट में क्या है बोलते हो, ये बकरीद फेस्टिवल टाइम में पूरा ये मुस्लिम कम्युनिटी पूरा ये पूरा भाई लोग क्या करते पूरा ये कुर्बानी करके वो उनका रिलेटिव्स को उनका फ्रेंड्स को थोड़ा हिसाब देते ना, वो हिसाब देने के टाइम में उन्होंने थोड़ा ओल्ड पीपल एंड पुअर पीपल क्या बोल के जाके मार्केट जाके वो लेके कट करना थोड़ा मुश्किल है बोल के एक ये लोग ये खिदमत फाउंडेशन बोल के ये लोग लास्ट ईयर भी करे ऐसा एक हिसाब को 2800 दिए तो वो लोग जा ला के मटन देते ऐसा वो लोग पूरा ये हमारा मल्लेपल एरिया में तरह ओल्ड सिटी में सब एरिया में पूरा ये लोग से ऐसा मनी कलेक्ट करे। वो बकरीद टाइम में वो उन्होंने पैसा दिया 10 यूनिट बुक करे तो 28,000 देना 28,000 का 10 यूनिट्स लाके मटन देते उनको वो लोग को बांट लेते पूरा ऐसा ये लास्ट ईयर उन्होंने लोग अच्छा करे ये दिस ईयर भी ऐसा अच्छा करते बोल के पूरा पब्लिक ये लोग से पैसा दिया लास्ट फेस्टिवल से 1 week पहले से उन्होंने पहला मनी कलेक्ट करे वो मनी पूरा नियरली 2179 यूनिट्स को उसको मनी इस यूनिट को 2800 हिसाब से टोटल सिटी में कलेक्ट करे ऐसा हमारा मल्लेपल एरिया में 421 यूनिट्स का मनी कलेक्ट करे। मनी कलेक्ट करने के बाद वो लोग पूरा ये पैसा दिए ना वो लोग बकरीद का डे में पूरा दे के मॉर्निंग इवनिंग तक दे के वो लोग ला के मटन देते बोल के नहीं दिया तो आके पुलिस ने कंप्लेंट दिया इमिडिएटली FIR करके वो इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अभी 3 आदमी पकड़ के लाया मोहम्मद नसीर मोहम्मद जाफर अहमद एंड मोहम्मद अशफाक ये तीनों क्या करे एक ये फाउंडेशन बोल के एक रजिस्टर नाम पे एक ये भी फेक है पूरा फेक डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके हमारा पूरा पुअर पीपल ओल्ड एज पीपल को मैं हेल्प करता हूँ एट द टाइम ऑफ ये बकरीद टाइम में बोल के मनी कलेक्ट करे। वो लोग वो दिन क्या करे ओनली 500 हिसाब से उन्होंने दिया एंटायर टाउन में टोटल 2179 बुक करे तो ईवन 1500 नहीं दिया वो पैसा वो लोग रख लिया वैसा चीटिंग करे कंप्लेंट आया तो इमिडिएटली FIR करे अभी तीनों को अरेस्ट करे अभी टोटल 23 lakhs मनी अभी रिकवरी करे अभी ये पूरा ये हमारा एरिया में पूरा पब्लिक कौन कौन दिया वो भी लिस्ट है उनके पास वो लिस्ट भी अभी कोर्ट के सामने रख रहे उनका कन्फेशन में पूरा मनी भी रिकवर करे अभी ये लोग को पूरा आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे टोटल एज पर हमारा ये लोग इंटरोगेशन करने के बाद उनका लैपटॉप में पूरा ये हिसाब करे तो 61,96,000 वसूल करे ये लोग पूरा एज पर रिकॉर्ड मरी और है तो हो सकते भी उसमें बोली ये लोग 500 पीपल का 500 यूनिट्स मैंने मटन दिया तीसरा नहीं दिया बाकी का अभी कोर्ट के भेजने पर दूसरा एरिया में हमारे एरिया में पूरा करे दूसरा एरिया तो वो लोग पुलिस कस्टडी लेके वो लोग FIR करके उधर तीन उसमें A1 मोहम्मद नसीर फ्रॉड करने की वजह क्या है मतलब लाविश लाइफ को ये लोग अट्रैक्ट हो गए नहीं जी दो साल अच्छा करे लोग थर्ड ईयर में वो लोग चीटिंग करे ये लोग चीटिंग के रीजन है पूरा पैसा खर्च करे थोड़ा बस में पैसा खर्च करे थोड़ा पैसा बचने के वास्ते पूरा चीटिंग है पूरा पैसा बचाए तो बाद में कुछ लाइफ एंजॉय कर सकते पूरा उसमें कुछ फैमिली उनके पास उनको थोड़ा पैसा उनका घर में रखे थोड़ा पैसा बैंक में रखे पूरा रिकवरी करे। ये नजीर है तो LED वर्क काम करते हैं ये प्राइवेट एम्प्लॉय है मोहम्मद जाफर अहमद प्राइवेट एम्प्लॉय है PNT कॉलोनी में रहते हैं और ये मोहम्मद अशफाक क्या करते हैं कैब ड्राइवर है। तो बाकी के 40 lakhs मतलब विक्टिम मतलब करे सो काम तो यही लोग हैं ये लोग हैं फ्रॉड जो करे यस तो बाकी का पैसा होने वाला है या फिर नहीं खत्म यहीं पे केस खत्म होने वाला नहीं 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 और भी उनको पुलिस कस्टडी में लेना पड़ता हमारा केसेस में पूरा करे दूसरा भी इंफॉर्मेशन भी दे रहे वो लोग केस करके उन्हें ड्राइव करके पैसा निकाल देते हैं। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान नाज़रा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत तलबा और तालिबात के लिए अलाहिदा क्लासेस के माकूल नज़्म
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफिक असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म, सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।